राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। विकी कौशल की फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली रिलीज हो गई है। ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा है। विकी इस फिल्म में पुजारी की भूमिका निभा रहे हैं। विकी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अनुराग कश्यप से लेकर यशराज फिल्म तक का सफर कैसे तय किया। स्ट्रगल के दौरान ऐसा भी समय आया जब उन्हें एक एड तक नहीं मिलता था। शुरुआत में काफ़ी सारे रिजेक्शंस झेलने पड़े थे। मसान में काम करने के बाद उन्हें थोड़ी पहचान मिली। हालांकि असली मुकाम उन्हें उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से मिली। विकी ने कहा कि इंडस्ट्री फैमिली जैसी है लेकिन बिजनेस भी है। आपकी फिल्में चलती है या नहीं इससे बहुत फर्क पड़ता है। फिल्म मसान के बाद मेरे लिए कई दरवाजे खुले थे। वहाँ पहुँचना एक चैलेंज था। जब मसान आई तो मेरे पास काफ़ी सारे प्रोड्यूसर के फ़ोन आने लगे। उसके पहले तक मुझे कोई नहीं जानता था। डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग होने लगी। फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लोगों का विश्वास बढ़ा और मेरे ऊपर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जाने लगा। मुझे लीड रोल्स मिलने लगे। इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स से मैंने अपना सफ़र तय किया। विकी ने बताया कि अब तक का यह सफ़र जादुई लगता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने चुना। इंडस्ट्री में कई बार ऐसा लगता है कि वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।